हरे कृष्णा, हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर में जब हम विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो कौन से विग्रह रखें, लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा, जगन्नाथ, गौर नेताई, क्या रखें, और ये जो विग्रह हैं इन्हें खरीद कर लाएं या हम इंतजार करें कि स्वयं ठाकुर जी चल करके किसी के माध्यम से हमारे घर पे पहुंचे। तो आइए इन सब प्रश्नों का उत्तर आज लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट जो है डिस्कशन का, कि हम कौन से विग्रह रखें। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, शिक्षा दी कि हर व्यक्ति को अपने घर में जगन्नाथ जी को रख लेना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी एक तो दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के बने हुए भगवान है और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी आते हैं, वो सब पर कृपालु होते हैं और जगन्नाथ जी की ज्यादा सेवा भी नहीं होती, ना उनको श्रृंगार करना है ना स्नान कराना है, और जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, कलयुग के भगवान जगन्नाथ है। और अगर कोई जगन्नाथ से बढ़कर के भक्त बन गया है, सोला माला करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसको अपने घर में गौर नेताई को रखना चाहिए, जो कि कलयुग के अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। तो नित्यानंद हो गए बलराम जी और श्री कृष्ण चैतन्य हो गए स्वयं ठाकुर जी कृष्ण, जो राधा रानी का स्वरूप लेकर के आए हैं। तो कृष्ण बलराम कहें या चैतन्य नित्यानंद कहें या गौर नेताई कहें, एक ही बात है, तो इनका रख सकते हैं। तो विग्रहों को अपने आप से नहीं खरीदना चाहिए, विग्रहों को हमेशा गुरु की आज्ञा से और किसी भक्त के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। पहले जमाने में लोग या तो माता पिता से विग्रहों को प्राप्त करते थे कुल परंपराओं से, या तो फिर गुरु उनको बताते थे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें यह विग्रह दे रहा हूं और तुम इस विग्रह की सेवा करो, क्योंकि वो सेवा के भाव से होता था। अभी हम जाएं बाजार से और डेकोरेटिव पीस खरीद लाएं, ये ठीक नहीं। चलिए माना आपने खरीद भी लिया, क्या आपने उसके लिए अपने गुरु से या अपने किसी वरिष्ठ वैष्णव से किसी से आपने सलाह ली, किसी से आपने आदेश प्राप्त किया? क्योंकि बिना आदेश प्राप्त किया भक्ति का कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं। और तीसरा कि किस प्रकार के विग्रह रखने चाहिए। कई बार लोग एक्रेलिक के विग्रह रख लेते हैं अपने घर में, एक्रेलिक यानी कि पीओपी के या एक्रेलिक प्लास्टिक के बने हुए, वो विग्रह नहीं होते। भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया है 8 प्रकार के जो धातु हैं उन्हीं के अंदर मैं प्रवेश करता हूं। भगवान कहते हैं दारू, शैली, लोही, लेप्या, लेख्या, सेकति, मनोमयी, मणिमयी, अष्टविधा प्रतिमा माम। मेरी प्रतिमा 8 प्रकार से बन सकती है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। पहली है, भगवान ने बोला कि दारू यानी कि लकड़ी की विग्रह, लोही यानी पीतल के विग्रह, मेटल के, शैली यानी पत्थर के, मार्बल के विग्रह, लेप्या यानी कि मिट्टी से बनी हुई विग्रह, लेख्या यानी कि चित्रपट पे बने हुए विग्रह, सेकति यानी बालू के बने विग्रह, फिर मणिमयी मणियों से बनी हुई विग्रह, और मनोमयी मन की धरातल पर उत्तम स्थिति के भक्त, परमहंस भक्त मन में भी भगवान की सेवा कर लेते। तो इस प्रकार से ये सेवाएं हैं। लाकर एक डेकोरेशन पीस रख लिया, ये ठीक नहीं। तो अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए और पूर्ण भक्ति के साथ हम कोई भी विग्रह लाएं या किसी के द्वारा प्राप्त हो तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। और गुरु आज्ञा के बिना ना लाएं, गुरु आज्ञा के बिना उसको ना पालन करें, ये अगर नियम मानते हैं तो स्वयं ठाकुर जी उन विग्रहों में प्रकट होकर के हम पर अद्भुत कृपा करेंगे। हरे कृष्ण।